दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम स्कूलों में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म मिलने में देरी को लेकर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने शुक्रवार 26 अप्रैल को कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति केस में गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने कहा है कि केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाहत है, दिक्कत यह है कि आप सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट सोशल ज्यूरिस्ट नाम के संगठन की तरफ से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें बताया गया था कि एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को किताबें नहीं मिली। नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण बच्चे टीन शेड में पढ़ने को मजबूर हैं। एमसीडी कमिश्नर ने कोर्ट को बताया था कि एमसीडी के पास कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, जिसके कारण बच्चों को नोटबुक, स्टेशनरी आइटम, यूनिफॉर्म और स्कूल बैग नहीं मिले हैं, क्योंकि सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी के पास 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट देने की शक्ति और अधिकार है। दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कोर्ट में दलील दी कि एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी न होने का कारण उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा वैध तरीके से एल्डरमैन की नियुक्ति करना है। फरासत ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के पास वैसे भी ज्यादा शक्तियां नहीं है। एमसीडी की स्थायी समिति की गैर मौजूदगी में किसी अधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि छात्रों को किताबें के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। दिल्ली सरकार खुद चाहती थी कि केजरीवाल जेल में रहते हुए सरकार चलाएं, हमने हमेशा इसका विरोध किया। कोर्ट ने मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सौरभ ने छात्रों की हालत पर आंखें मूंद ली है, वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कोर्ट ने टिप्पणी तब की जब दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कहा कि उन्हें सौरभ भारद्वाज से निर्देश मिले कि एमसीडी की स्थायी समिति की गैर मौजूदगी में किसी उपायुक्त पदाधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी। कोर्ट ने कहा कि ये तो आपको निर्देश देने वाले के पास दिल नहीं है या आंखें नहीं, उन्होंने कुछ भी न देखने का फैसला कर लिया। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को 2 दिन में जरूरी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सोमवार 29 अप्रैल को फैसला सुनाया है।